एसएससी जीडी 2022 के एप्लीकेशन स्टेटस आने चालू हो गए हैं अभी आज। केकेआर और एसआर का आया हुआ है। मैंने लिंक आपको यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने आपको दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर ऑन किया करिए, जिससे जो भी आपकी कम्युनिटी पोस्ट की अपडेट होती है वो भी आपको मिलते रहे। तो मैंने आपको 22 और 23 डेट बताई थी, तो आपको 23 तारीख से आपके मैंने आपको बताया था कि सबसे जल्दी जो है वो आपका या तो केकेआर या तो एसआर, ठीक है, ये जो रीजन्स हैं, ठीक, कई बार ईआर भी आपका सबसे जल्दी आउट करता है, ये रीजन आपके बहुत जल्द आउट करते हैं, ठीक है। तो इनकी तरफ से आपका एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुका है, केकेआर और एसआर रीजन का आउट हुआ है। बाकी अदर रीजन का आपका धीरे धीरे अभी आउट होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आपके एडमिट कार्ड्स की, तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके 2 तारीख मतलब 2 जनवरी से आपके एडमिट कार्ड अलग अलग रीजन के आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने एप्लीकेशन स्टेटस देख लिया, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है, कोई इशू है, तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना जो भी आपका क्वेरी है वो लिख के आप एसएससी को मेल भी कर सकते हो उसकी रीजनल वेबसाइट पे, ठीक है। तो जिससे कहीं ना कहीं आपको फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं अभी आपका एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 का मैं आपको इशू बता रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट ने आपका केस किया था, जिसके बाद से उनका जो भी आपका एग्जाम था वो लास्ट डे आप उन सभी का कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो उसका मैं आपको पूरा इशू वगैरह लिंक वगैरह भी दे दूंगा। लेकिन अभी जो भी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अलग अलग रीजन से फॉर्म भरा था, जिनका अभी एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आया, तो आप थोड़ा सा वेट करो, बाकी आपको जो भी अपडेट रहेगी वो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करो, बाकी आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी अली बाबा टाइप करके पूछ सकते हो अपनी जो भी क्वेरी, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके।